अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे YouTube चैनल HTV News में। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सरिये के रेट्स के हवाले से आने वाले दिनों की बड़ी अपडेट्स देने वाले हैं। आपको बताएंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सरिये की कीमतें अप होगी या फिर आने वाले दिनों में सरिये की कीमतें डाउन रहेगी, यानी आने वाले दिनों में सस्ता या महंगा होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार पाकिस्तान में सरिये के रेट में कमर तोड़ ज़बरदस्त कमी देखने में आ चुकी है। क्या आने वाले दिनों में यही कमी बरकरार रहेगी या फिर आने वाले दिनों में सरिये की कीमतें एक मरतबा फिर सर उठाएंगी? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से गाइड करेंगे, अपडेट्स देंगे और आपको बता देंगे कि आने वाले दिनों में अगर इजाफा होगा तो किस वजह से होगा, अगर आने वाले दिनों में कमी होगी तो कैसे होगी और किस वजह से होगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो छोटी सी होगी लेकिन काफी ज्यादा मालूमती होगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो का आगाज करते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तान में सरिये के रेट्स के हवाले से जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतें एक मरतबा फिर सर उठाने को है, यानी दोस्तों आने वाले दिनों में मजीद इनके रेट में इजाफा हो सकता है। यानी दोस्तों सीधी सीधी सी बात है कि ओपन करेंसी मार्केट में और साथ इंटरबैंक में तकरीबन 10 रुपये का फर्क पड़ सकता है, पड़ चुका है। आपको ये भी अपडेट्स करें, अमरीकी डॉलर की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान में सरिये के रेट में भी इजाफा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होती हैं, क्योंकि दोस्तों सरिये के रेट, यानी दोस्तों हमारा स्टील जितना भी रॉ मटेरियल हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है तो हमें डॉलर में ही परचेज़ करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों जब भी अमेरिकी डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है उसी हिसाब से पाकिस्तान में भी सरिये के रेट में इजाफा होता जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी साथ साथ याद करवा दूँ और आपको बता दूँ, जैसे इससे पहले पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था, उसी हिसाब पाकिस्तान में सरिये के रेट में भी लगातार इजाफा देखने में आ रहा था। अगर दोस्तों आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, अगर हम हमारी वीडियो डेली देखते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। हम आपको डेली अपडेट्स करते रहें, अमेरिकी डॉलर की कीमतों में इजाफा साथ पाकिस्तान में सरिये के रेट में इजाफा, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा साथ साथ पाकिस्तान में सरिये के रेट में भी इजाफा। सीमेंट की तो हम बाद में करेंगे लेकिन आपको सरिये के रेट्स के हवाले से अपडेट्स करें। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, काफ़ी डीलर से और काफ़ी दुकानदारों से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि आने वाले दिनों में सरिये के रेट्स के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं। दोस्तों ने मुझे बताया कि आने वाले दिनों में सरिये के रेट में इजाफा होने के चांसेस एक मरतबा फिर बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में सरिये की डिमांड में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने में आ रहा है, यानी दोस्तों देखने में आ रहा है आने वाले दिनों में यही कीमतें सर उठा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेकिन सर ज़रूर उठाएंगी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सरिये के रेट में एक मरतबा फिर इजाफा हो सकता है, लेकिन आपको बता दें अगर आप लोकल सरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लोकल सरिये के रेट में कमी आने के चांसेस बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में जितना भी लोकल सरिया है लाहौर कराची इस्लामाबाद का, ये लाहौर वहीं पर पड़ा हुआ है, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल की वजह से इधर से उधर माल पहुँचाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रांडेड सरिये के रेट में एक मरतबा फिर इजाफा होगा। अगर दोस्तों इसके अलावा, यानी दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो सरिये के रेट्स के हवाले से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।